हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका किसी भी तरीके से लोन चल रहा है और वो अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। आज उनके लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही अपडेट्स दे सकें। लोन बोरोर्स के लिए एक एनजीओ डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव जो कि दिल्ली और एनसीआर में बेस्ड है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की। 4-5 दिन पहले हमने वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली की एक एनजीओ बहुत जल्द पीआईएल फाइल करने वाली है और उसी के मद्देनज़र ये खबर है कि डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव जो एनजीओ है उसने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी है। एनजीओ ने पीआईएल में मांग की कि जितने भी लोगों के पास लोन चल रहे हैं और वो कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से अपनी जॉब खो चुके हैं या उनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं बचा है और इस वजह से वो अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मॉरेटोरियम का लाभ दिया जाना चाहिए। बैंकों को निर्देश दिया जाए, आरबीआई से कहा जाए कि वो बैंकों को परमिट करे, बैंकों को निर्देश दे कि सभी बैंक सभी कस्टमर्स को जो लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं अप्रैल से लेकर अगस्त तक उन्हें मॉरेटोरियम का लाभ दे। इसके अलावा जो लोग भी कोरोना की दूसरी लहर में इनकम ना रहने की वजह से, जॉब ना रहने की वजह से या काम धंधे चौपट हो जाने की वजह से ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लोन्स को एनपीए में कन्वर्ट ना करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लग चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सभी बोरोर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इनकम का कोई जरिया नहीं है, वो अपनी नौकरी खो चुके हैं या उनके व्यवसाय चौपट हो चुके हैं, ऐसे सभी लोगों को राहत देंगे और फिर से एक बार सभी छोटे व्यापारियों को और लोगों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को ये राहत दी जाएगी। मॉरेटोरियम का लाभ सभी को दिया जाएगा और आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकों को ये निर्देश देंगे कि वो सभी को मॉरेटोरियम का और रिस्ट्रक्चरिंग 2 का बेनिफिट दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।